दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, जीडी हो, इन सब के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठाए हुए हैं। नॉर्मली आई विल ट्राई, कई बार मिलते नहीं है, बट आई विल ट्राई कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हो ना सारे PYQs ही हो, तो कम से कम तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि जो हम जीके पढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के PYQs तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दैट उसी फॉर्मेट में उसी तरीके के मिलते जुलते क्वेश्चन को तुम पढ़ पाओ या रट पाओ, जो भी है। अब ये पहला है, आइडिया है कि कम से कम इसमें 1000 क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएं, तो 1000 क्वेश्चन में मान के चलो तुम सिर्फ 1000 नहीं 5 गुना ज़्यादा तुम MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब 4-5 हज़ार MCQs तुम्हारे हो जाएंगे अगर मैं इसको पूरा कर पाया तो, ठीक है ना। शायद ना भी हो, पता नहीं, जितना टाइम मिलता है। तो पहला सेट है ये, और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, किस साल में वॉज दी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स सेंट टू इंडिया टू विन दी कॉपरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप्स। ओके, अब ये ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा तुम्हें बैकग्राउंड की जरूरत है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब हमारे देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो उसमें कमीशन भेजा गया जिसका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उसके वो थे लीडर थे, वो इंडिया में भेजा गया, तो किस ईयर में भेजा गया और उसका एम क्या था, ठीक है। क्वेश्चन में तो सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी है, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो 1942 आंसर हो जाएगा, तुम्हारा सही है, बट थोड़ा सा इसका भी आप एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेना, बैकग्राउंड में था क्या। तो एक सेकंड रुको, मैं मार्कर और लेके आ रहा हूं। विनोद सर पेन भेजना इसका नीचे, और एक पानी की बोतल भी भेज देना, ठीक। तो ओके, इसको बाद में देखते हैं, पहले एक इवेंट समझ लेते हैं। अब अंग्रेज हमारे देश में आए, हमें कॉलोनाइज किया, लगभग 200 साल तक ये सारी हिस्ट्री चली, और 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। अब ये बात है तुम्हारी आज़ादी के आंदोलन के लगभग 1939 की बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, चीज़ें जैसी चल रही थी हमारे देश में, नेताएं बोल रहे थे कि भाई आज़ादी चाहिए, डिफरेंट आंदोलन लॉन्च कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड पे, ठीक है। अब जैसे ही जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है, तो पोलैंड जो था वो सहयोगी था तुम्हारा ब्रिटेन का। अब पता चला कि इन्हें बैकग्राउंड में जाके पढ़ोगे तो जर्मनी बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था वॉर की, और ब्रिटेन उसको अपीज करने की कोशिश कर रहा था, मनाने की कोशिश कर रहा था कि भाई लड़ाई मत करो। लेकिन यहाँ पे पोलैंड पे अटैक करके जर्मनी ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी कि वो यूरोप में लड़ाई चाहता है। ओके, ठीक है जी, लड़ाई होगी। 1 तारीख को जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे, 3 तारीख को क्या हुआ, ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर देता है, पूरे न्यूज़पेपर्स में आ जाता है, ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट। ओके, अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा जिसने हमें कॉलोनाइज करके रखा हुआ है वो अगर किसी वॉर पे जा रहा है तो हमारे लिए फायदे की बात है, हम उससे लड़ाई कर सकते हैं, वो कमज़ोर होगा और हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया को भी एक पार्टी बना दिया कि इंडिया भी इस वॉर में है और इंडिया के सोल्जर्स भी लड़ेंगे। किसकी साइड से लड़ेंगे, ब्रिटेन की साइड से लड़ेंगे, हमसे जाके पूछा भी नहीं। तो इस टाइम तक हमारा आज़ादी का आंदोलन थोड़ा मैच्योर हो गया था, वो इनिशियल स्टेज वाली बात नहीं थी कि हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा खासा ज़्यादातर डिसीजंस में हम लोगों से पूछा जाता था, नहीं पूछा जाता था तो हम रिजिस्ट करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ही उस टाइम पे क्योंकि कांग्रेस ही थी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी, तो कांग्रेस ने ये बोला कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जैसे ही वॉर खत्म होगी हमें आज़ादी चाहिए, और ड्यूरिंग दी वॉर ये जितनी भी पोस्टें हैं ना पावर हमारे हाथ में दे दो, और वॉर के बाद में हमें आज़ादी दे देना, तो अब हम चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन अगर आप हमें आज़ादी नहीं दे रहे हैं तो हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और ये जब वो डिमांड रखते हैं तो उस समय के जो वॉइस रॉय होते हैं वो इन डिमांडों को नकार देते हैं, मना कर देते हैं। तो अब होता क्या है, कांग्रेस की एक मीटिंग होती है मिनिस्टर्स की, और ये डिसाइड करते हैं कि हम सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब बहुत सारे उस टाइम पे कांग्रेस के मंत्री राज्य सरकारों में थे, तो कांग्रेस के सारे मंत्री एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। इस पार्ट पे भी क्वेश्चन पे पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1939 में ऐसा कौन सा इवेंट हुआ कि एक साथ बहुत सारे पॉलिटिशियन, ठीक है, 1939 में ऐसा क्या हुआ कि एक साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया। तो बात ये थी कि कांग्रेस ये बोल रहा था कि हमें आपको वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी इन डिमांडों को पूरा करो, और ब्रिटिश सरकार उन डिमांडों को नहीं मानती है,
तो कांग्रेस के लीडर ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है जी, इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ, इस्तीफा दिया तो उनको मनाने के लिए एक दूसरा ऑफर भेजते हैं, अगस्त ऑफर। इसका नाम अगस्त इससे पड़ा है, 8 अगस्त को भेजा गया, 1940 में भेजा गया, और उस टाइम पे ये इंडिया के वॉइस रॉय थे, लिंग लिथगो। तो ये मिस्टर 1940 में इंडियंस को कुछ ऑफर देते हैं, पूर्ण आज़ादी की बात नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज हमें ऑफर की जिसको बोला जाता है डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने जो हमें ऑफर किया उसको बोला जाता है आपका डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस हमें ऑफर किया। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है कभी पढ़ेंगे, बट याद रखिए कि पहली बार अंग्रेजों ने हमें 1940 में जाके डोमिनियन स्टेटस ऑफर करा। हम बहुत सारे समय से मांग रहे थे। अगर आपको थोड़ा इनफॉर्मली समझना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंटरनली तो भारत आजाद है, अपने देश में भारत कुछ भी करे, लेकिन हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, उनको कौन मेंटेन करेगा, ब्रिटेन मेंटेन करेगा। ऐसा ही स्टेटस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दिया था। तो ठीक है, हमें इन्होंने स्टेटस दिया, माना नहीं हमने, हमने नहीं माना, हमने बोला कि यार अब हमें आज़ादी चाहिए, और तुम किसकी बात कर रहे हो, डोमिनियन स्टेटस की। तो यहाँ पे क्या है, गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं और उस मूवमेंट को नाम दिया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी एक फुल फ्लेज आंदोलन लॉन्च करने के इस टाइम पे मूड में नहीं थे, और गांधी जी की आर्ग्यूमेंट ये थी कि इस समय अगर हम चुप बैठे तो अंग्रेजों को लगेगा भारतीय लीडरशिप वीक है, हम तो इनकी बातें नहीं भी मान रहे हैं और इनको वॉर में भी डाल दिया, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो अगर हम चुप रहे तो भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो हमारा आंदोलन है सही मैसेज नहीं जाएगा, और बड़ा आंदोलन करने के लिए अभी लोग तैयार नहीं है। देखिएगा, जब भी कोई आंदोलन लॉन्च किया जाता है कई बार ऐसा होता है मुद्दा सेम होता है, उसी सेम मुद्दे पे एक समय तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन शायद एक समय सेम मुद्दे पे हजारों लोग इकट्ठे ना हो, मुद्दा सेम ही रहता है। अभी के मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, 2011 में अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ लोकपाल बिल को लेके, और पूरे देश में आप मानिए आज़ादी के बाद सबसे बड़ा ये एक पीसफुल मूवमेंट हो गया, मुद्दा सेम था। उसके 2-3 साल के बाद अन्ना हजारे ने बॉम्बे में एक मूवमेंट करा, सेम मुद्दा सेम अन्ना हजारे, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि कुछ टाइम के बाद वो आंदोलन फ्लॉप हो गया, लोग गए ही नहीं। तो सेम मुद्दे पे भी लोगों को जुड़ने में एक माहौल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। तो गांधी जी को लगा कि बड़ा आंदोलन करने के लिए तो लोग तैयार नहीं है, और अगर हम चुप बैठे तो अंग्रेजों को क्या लगेगा, हम वीक हैं। तो गांधी जी लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, और जिस पोजीशन पे होते हैं वहाँ से दिल्ली की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। इस आंदोलन को फिर बाद में नाम दिया गया दिल्ली चलो आंदोलन। धीरे धीरे करके लोग गांधी जी से जुड़ते चले गए। ओके, ये भी किस लिए था? अच्छा, इन सबका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कुछ और था, मतलब जो डिमांड की गई वो कुछ और थी, लेकिन अल्टीमेटली हम ब्रिटिश सरकार को सिग्नल दे रहे थे कि हमारी जो भी डिमांड है उनको पूरा कर दिया जाए, अदरवाइज हम बड़ा आंदोलन लॉन्च करेंगे। ओके, इंडिविजुअल सत्याग्रह आगे चलता है। अब इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, लेकिन उससे पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनिएगा। 1942 में जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर में कूद जाता है, सॉरी 1942 में जापान भी वर्ल्ड वॉर में कूद जाता है। जर्मनी तो पहले था ही, जापान पहले नहीं था, और जापान मानिए उस टाइम का इतना डोमिनेंट प्लेयर होता है कि पूरा का पूरा आपका एशिया से जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स को खदेड़ देता है, सिंगापुर से, इंडोनेशिया से, फिलीपीन से, म्यांमार से, हर जगह से अंग्रेजों को खदेड़ देता है। बहुत रूथलेस ये फाइटर थे जापानीज पीपल, मतलब जापानीज लोगों में इतना ज़्यादा वो था, यू विल बी सरप्राइज कि वर्ल्ड वॉर टू में इनके किलर एयरक्राफ्ट होते थे, मतलब एक फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें बॉम्ब डाल के पायलट बैठा दिया, वो अपने आप को शिप से हिट कर रहा है, मिसाइल से टारगेट कर पाना डिफिकल्ट है, तो एक तुमने पायलट ही बैठा दिया, वो किलर है, उसे पता है मैं मरने वाला हूँ, सीधा जाके किससे हिट करेगा, ब्रिटिश शिप से हिट करेगा, मर जाएगा बट एनिमी को मार देगा। इतना सैमुराई कल्चर थी वहाँ पे, जैसे आप देखते हो ना हमारे यहाँ पे सिख एक मार्शल कॉम है, लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लाइक धर्म का ही एक पार्ट है, इसी तरीके से जापान में समुराई कल्चर थी, मरने मारने के लिए लोग एकदम तैयार रहते थे। एक और मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, नाउ यू विल बी सरप्राइज, ये भी सेम ऐसा है, जो पनडुब्बियों पे अटैक करने के लिए होती है ना उनको हम टॉर्पीडो बोलते हैं। ये मान लो एक मिसाइल है जो पानी के अंदर चलती है, जापानियों के पास इन टॉर्पीडो में भी एक मदर और बेबी का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने टॉर्पीडो में भी एक पायलट बैठा दिया और उसके साथ एक छोटी टॉर्पीडो अटैच कर दी, तो वो क्या करेगा, टॉर्पीडो को चला के ले जाएगा वहां तक, गाइड करेगा, छोटी बेबी को फायर कर देगा, अगर बेबी से भी वो हिट नहीं हुआ तो खुद जाके वो हिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एनिमी को मारने का इतना जबरदस्त इन लोगों में क्रेज था। तो 1942 में ब्रिटेन को पूरे के पूरे एशिया से इंडिया को छोड़ के जबरदस्त हार फेस करनी पड़ी, तो ब्रिटिश लोगों को लगा यार इस टाइम पे अब जापान का अगला टारगेट क्या होगा, इंडिया होगा,
और यहाँ पे इंडिया में जापान अटैक करेगा, हम लोगों को हरा देगा, इस देश को आज़ाद कर देगा। तो एक काम करते हैं, अब इन इंडियन लोगों की डिमांड मानते हैं थोड़ी सी, कम से कम अगर जापानीज लोग अटैक करते हैं तो इंडियन लोग तो हमारे साथ में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बैकग्राउंड के साथ ये किसको भेजते हैं, सर क्रिप्स को भेजते हैं 1942 में। अगेन इनकी अगर तुम बहुत डिटेल तक जाओगे, हमारे वन डे एग्जाम्स में डिटेल में क्या प्रोविजन मिले इनको नहीं पूछा जाता, अनटिल और अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीडीएस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो इनके प्रोविजन के डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट इन्होंने इस बार कुछ और मॉडिफाई करके अगस्त ऑफर में ही दिया, पूर्ण आज़ादी का तो इन्होंने मना कर दिया, और लड़ाई के बाद आपको संविधान बनाने का अधिकार देंगे इसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने जो भी प्रोविजन दिए, और यहाँ पे गांधी जी ने उसको बोला इट इज दी पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक समझ में आता है, ठीक है, एक वो चेक है जिसकी डेट पास हो चुकी है, मतलब ये तो हम कभी भी ले ही लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो अब गांधी जी इस क्रिप्स मिशन के बाद जो मूवमेंट लॉन्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय तक गांधी जी भी इतना फेडअप हो चुके थे, नाउ जस्ट इमेजिन ना, एक बंदा जो पूरी लाइफ अपना पीस की बात करता है, जो ये बात करता है कि एक चाटा मारे तो कोई दूसरा गाल आगे करो, वो भी बंदा क्या स्लोगन दे रहा है, डू और डाई के बारे में दे रहा है। अच्छा, इससे लाइफ में एक चीज़ सीखने को मिलती है, मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ पे डालो, तुम में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है, आता है बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने का टेक्निकली मतलब पता है क्या है, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पुअर है, तुम्हारा माइंड का मैनेजमेंट पुअर है। गुस्सा कब आता है, जब तुम्हारे हिसाब से सिचुएशन नहीं चल रही है ना। अब तुमने जिस व्यक्ति ने मैनेज कर लिया गुस्सा नहीं आएगा, जो मैनेज नहीं कर पा रहा है वो क्या कर देता है, गुस्से पे निकाल देता है। तो यहां पे गांधी जी ने बोला कि नॉन वायलेंस होना कमजोर व्यक्तियों की बात नहीं है, कमजोर व्यक्ति क्या करते हैं, वायलेंस हो जाते हैं, जो बहुत ही मजबूत व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वायलेंस होते हैं। तुमने आम तौर पर अपने घरों में भी ये चीज देखी होगी कि घरों में जो मेल होते हैं, फादर होते हैं, वो जल्दी क्या हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी छोटी छोटी बातों पे वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं क्या रहती हैं, बहुत नॉन वायलेंट रहती हैं। मम्मी की अपनी स्थिति देखो, पापा की भी सुनेगी, और हमारी ट्रेडिशनल फैमिलीज में तो मम्मी इज लाइक अ चेन जो किसको जोड़ के रखती हैं, पापा और बच्चों को, दोनों अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मम्मी ने जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मली होता ही है। इसलिए गांधी जी ने बोला था कि जो असली वॉरियर्स है नॉन वायलेंस की वो कौन है, महिलाएं, ठीक है। तो नॉन वायलेंस होना एक कमजोर व्यक्ति की बात नहीं है, किसकी बात है, एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति की बात है। एक कमजोर व्यक्ति कभी भी नॉन वायलेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी वायलेंस कर लेगा। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट समझ में आया, ये सारा समझ में आया। अब एक बार इसको देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, तो मुझे लगेगा वे क्वेश्चन तुम्हारे लिए केक वॉक है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया, दिल्ली पुलिस 2020 में आया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज सर रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स सेंट टू इंडिया टू विन द कॉपरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप्स 1942। अच्छा, अब एक बच्चा देखो, तुम्हें यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये बात सही है, फर्स्ट हैंडली ऐसा लगता है कि हमसे फैक्ट्स रटवाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम इनको डिटेल में समझो ना, जिसको भी पता है, अच्छा इंडियंस का कॉपरेशन की बात हो रही है, तो ये वर्ल्ड वॉर टू में ही मुद्दा चला था। तो यहाँ पे आप देखोगे वर्ल्ड वॉर टू का पीरियड कौन सा है, सिर्फ 1942। 1909 में तो हमारा आज़ादी का मूवमेंट जस्ट चला ही था, स्वदेशी की बात पे थे हम, पूर्ण आज़ादी भी अब तक हमने नहीं बोला था। पहली बार हमने 1929 में बोला कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, इससे पहले हम ये बोलते थे स्वराज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्लियर स्पेसिफिक टर्म में नहीं बोलते थे कि तुम लोगों को हम भगाना चाहते हैं, समझ में आया। इसको भी हमको बोलने में लगभग 150 साल लग गए, लास्ट के 20 सालों में हमने जाके बोला कि हम आप लोगों को इस देश से भगाना चाहते हैं, किकआउट करना चाहते हैं, खुद अपने देश को चलाएंगे। तो 1917 वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, और 1942 में क्या था, वर्ल्ड वॉर आपका टू चल रही थी। तो यू शुड नो अबाउट वर्ल्ड वॉर कब डिक्लेयर हुई, उसके बाद में अगस्त ऑफर क्या है, ये लॉर्ड लिंगलिथगो हैं, और गांधी जी के सारे, सॉरी कांग्रेस के सारे मंत्रियों ने रिजाइन दिया, और इसके बाद में इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, जिसका एक स्लोगन था करो या मरो, वेरी सिंपल। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज आर्टिकल 21A इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ही तुम्हें कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे देश का जो संविधान है इसको बदला जा सकता है। अब बदला जा सकता है, आप क्या करोगे, या तो इसमें आप कोई चीज ऐड करोगे या इसमें से कोई चीज घटा सकते हो।
तो जब भी आप संविधान में कुछ ऐड करते हो उसको आप ऐड करते हो संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमने लगभग आजादी से लेकर अब तक 105 बार अपने संविधान को चेंज किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं पहला संविधान संशोधन, दूसरा, तीसरा, हर एक एक साल में हुआ है। तो हमने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 21A, और ये कब ऐड किया? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में। अब इसके बारे में अच्छा सा पढ़ लें, किस बारे में बात करता है। अब सुनिए, एक कॉन्सेप्ट मौलिक अधिकार का पढ़ेंगे वो हम क्या होता है। मौलिक अधिकार हमारे देश ने हमें दिए, और आप मान के चलिए कि शायद इतने लिबरल अधिकार आपके परिवार ने भी आपको नहीं दिए जितने आपके देश ने दे रखे हैं। देश ने दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मन आप उस प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो, देश ने ये बोला हुआ है। क्या परिवार ने छूट दे रखी है? है ना, परिवार ने, सोसाइटी ने, समाज ने फिक्स कर रखा है भाई यही काम सही है, इनके अलावा कुछ और काम करोगे तो दे आर गोना टू मेक मॉकरी ऑफ यू, मजाक बनाएंगे। हर एक समाज ने अपने अपने हिसाब से कामों को फिक्स किया हुआ है। बोलने की आजादी दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको, आप फ्रीली इस देश में अपनी बातों को रख सकते हो। शायद बहुत सारे बच्चे फ्रीली अपने घर वालों के भी सामने अपनी बातों को ना कर पाए, ठीक है, कि मन में क्या चल रहा है, चलो बात कर रहे हैं, पापा आज क्लास में गया था लेकिन मन कर रहा था कि बर्गर खा लूं, चला जाऊं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, आज सो के आया हूं क्लास में, जाके फ्रीली बता पाओगे नहीं। लेकिन हमारे देश के संविधान ने सारी वैल्यूज हम देश के लोगों को दे रखी है। ओके, हम फ्रीली बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई हमारे इन मौलिक अधिकारों को हमसे छीनता है तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा राइट भी है, इस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे, हम सीधा इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप मानिए आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दिया, जो कोई दंगे नहीं भड़का रहा था, देश की सुरक्षा को कोई ठेस नहीं थी, आपका जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन कुछ लोग उससे भड़क जाते हैं और आपके अगेंस्ट FIR लिखा देते हैं, आपको अरेस्ट कर लिया। अब क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार था तो आप सीधा कहां पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा हुआ भी था, श्रेया सिंगल केस था, कभी मैं बताऊंगा, जहां पे महाराष्ट्र की दो लड़कियां फेसबुक पे एक पोस्ट डाल देती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, वो बोलती हैं कि एक बहुत बड़ा लीडर एक्सपायर हुआ है तो ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती असेंशियल जो दवाइयां हैं या कोई और चीजें, इनकी दुकानों को तुम बंद करा नहीं सकते। इस बात पे एक पार्टी के लोग भड़क जाते हैं और उस लड़की के ऊपर केस रजिस्टर करा देते हैं, बट अगले दिन, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार था, तो वो कहां पे जाती है? सुप्रीम कोर्ट जाती है, और अगले दिन उसको बेल मिल जाती है। अब इमेजिन करो अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई होती तो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे देश में एक केस को एवरेज सॉल्व होने में 7 से 15 साल लग जाते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, 2013 का केस था, शायद अब तक भी जजमेंट नहीं आई होती और उसकी सामाजिक स्थिति या सोसाइटी ने कैसे ट्रीट किया हुआ होता। तो अब हमने एक ऐसा ही मौलिक अधिकार, ओरिजिनल संविधान में तो नहीं था लेकिन हमने ऐड किया कि भाई किसी भी देश में बच्चों को शिक्षा मिलना उनका एक असेंशियल अधिकार होना चाहिए। तो हमने 2002 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने 86th संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सबको एक अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार। तो ये हमने ऐड किया 21A में, ठीक है। कब हमने ऐड किया? 2002 में ऐड किया, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब इससे क्या अधिकार मिला? अब आप देखिए, आज की डेट में कोई 6 से 14 साल का बच्चा है उसको अगर शिक्षा नहीं मिल रही है तो वो सीधा जाके डिस्ट्रिक्ट के DM के ऑफिस में जाके या एजुकेशन के ऑफिस में जाके कंप्लेंट लिखे तो उसको कहीं ना कहीं सरकार उसका एडमिशन कराएगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कराने में फेल हो रही है तो वो व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या हमारे देश में हेल्थ का अधिकार मिलना चाहिए? राइट टू हेल्थ, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो उसको इलाज मिले। क्या ये एक अधिकार है आज हमारे देश के लोगों के पास? अगर आपके पास मनी पावर है तो हॉस्पिटल में चले जाओगे। अब मानिए नीचे एक रिक्शे वाला है, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी पॉकेट में 2 लाख रुपए नहीं है भाई, 2 लाख रुपए होते तो वो किसी भी प्राइवेट में चला जाता। ऐसे में क्या उसको स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा? गवर्नमेंट में फैसिलिटी नहीं है। एम्स में शायद जाओगे तो 4 साल की आपको वेटिंग दे दें कि अभी पुराने ही लोग बहुत है, इमरजेंसी शायद ट्रीटमेंट ना मिल पाए। नहीं, बेटर नहीं है, व्हाट आई से कि सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। कभी तुम मेडिकल इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में जाके देखें, सरकारी सारों में ऐसे हालात नहीं है। किस में? क्या क्या बुखार था? नहीं, मेरे को डेंगू था और मेरे को पता नहीं था। तो क्या मेडिकल सर्विस दे दी? पैरासिटामोल खिला दिया और प्लेटलेट्स चढ़ा दी? कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे, समझ में है ना? इंजेक्शन ये तो मिल जाएगा, इमरजेंसी नहीं मिलने वाला, प्राइमरी मिल जाएगा, प्राइमरी तो गांव के लेवल पे भी है, पैरासिटामोल और ग्लूकोज की बोतल मिल जाएगी। जैसे अभी एक मेरे
एक काम करना, अभी एक काम करना, एम्स में कभी गए हो? एक बार बाहर जाके देख के आना, 2-3-4 साल नंबर लंबी आपको वेटिंग पीरियड मिलेगी कैंसर के केस में, हार्ट के केस में, ऑपरेशन कराने के लिए ओपीडीज हो जाती हैं, बाकी नहीं मिलता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एक फैक्ट बताना चाह रहा था, उसको सुनिएगा। हमारे देश का राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ एक लीगल राइट दे दिया है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार के लिए आपको संविधान में ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ क्या दिया है, लीगल अधिकार। लीगल अधिकार और मौलिक अधिकार में मैं फर्क बताऊंगा क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, 21 से क्या है, शिक्षा का अधिकार है, कितने किस एज के बच्चों को मिलेगा, 6 से 14 साल के बच्चों को मिलेगा, याद रखना है। इसीलिए आप 14 साल के बच्चे से कोई लेबर वर्क नहीं करा सकते, अगर आप 14 साल के बच्चे से इवन अगर आप किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करा रहे हैं, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी पढ़ाई चलती है। आप देखोगे ना, जितने भी चाइल्ड आर्टिस्ट हैं या जो छोटे बच्चे डांस इंडिया डांस में परफॉर्म कर रहे हैं, 8 साल के 10 साल के बच्चे, तो देयर इज अ लाइबिलिटी की उन सभी बच्चों को क्या पेरेंट्स को एश्योर करना पड़ेगा कि उनका बच्चा पढ़ता रहे, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 32। अब आप सुनिएगा, आज जो अभी इससे पहले हमने डिस्कशन किया है वो ही है। ये हमारे देश में अगर आपको नॉर्मल, अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए क्रिमिनल केस में, तो सिर्फ आप पहले कहां पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट जाओगे, और अगर हाई कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और मान के चलिए कि अभी ये जो व्यवस्था है इसमें इतना टाइम टेकिंग है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में लगभग किसी भी व्यक्ति के 20-25 साल लग जाते हैं अगर वो हाई कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है। फॉर एग्जांपल सलमान खान हिट एंड रन केस, अभी जो जजमेंट आई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई थी 17-18 में, अभी केस कहां पे चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है अभी 2-4-5 साल, और वहां पे भी अगर उनके एडवर्स जजमेंट आई बंदा कहां पे चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी रिव्यू पिटीशन, मतलब 10-15 साल तो अभी भी उस बंदे के पास है, तब तक केस चलता ही रहेगा। और यहाँ पे जस्टिस डिले हो जाती है, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी को न्याय देरी से दे रहे हैं तो वो जस्टिस डिनाय हो गया, फिर आपने उसको न्याय नहीं दिया, समझ में आएगा ना। नीचे कॉलर पकड़ के किसी ने चाटा आज मारा है, पापा 10 साल के बाद बोले कि बेटा चलो आज बदला लेने जा रहे हैं, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जस्टिस अगर डिले हो रही है, इसीलिए आप देखिए अगर हमारे देश में लोगों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस पावर को समझिए, इवन मर्डर के केस में भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाना भी तुम्हारा एक मौलिक अधिकार है, और वो कौन सा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 ये बोलता है कि जितने भी आपको अधिकार मिले हुए हैं अगर उनमें से किसी का वायलेशन होता है तो सीधे कहाँ जा सकते हो तुम, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये भी तुम्हारा एक मौलिक अधिकार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 हमारे संविधान के किस पार्ट में है। तो एक स्मार्ट बच्चे को ये समझ में आएगा आर्टिकल 32 क्या है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो इन्होंने अगर इस क्वेश्चन में आर्टिकल 32 को हटा के मौलिक अधिकार भी लिख देते, फंडामेंटल राइट भी लिख देते, तो भी आंसर वही होता कि मौलिक अधिकार हमारे देश के किस पार्ट में मेंशन है, तो वो पार्ट कौन सा है, 3 है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हमारे संविधान की किताब भी कई सारे पार्ट में डिवाइड है, तो मौलिक अधिकार किस पार्ट में मेंशन है, 3 में मेंशन है। आर्टिकल 32 आपको क्या पावर देता है कि मौलिक अधिकार के हनन पे आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसीलिए बीआर अंबेडकर ने इसको क्या बोला था, आर्टिकल 32 को बीआर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में बोला था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ये हार्ट है, सही बात है ना। अगर आर्टिकल 32 आपको हटा दें और आपके संविधान का उल्लंघन हो जाए, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं पाए तो क्या ही फायदा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, 30 साल के बाद पता चला बेटा वो जो ट्वीट किया था सही था, जमौजले, अरे गेटिंग पॉइंट, 30 साल के बाद अगर वो जजमेंट आ रही है तो उसका कोई भी फायदा नहीं रह जाता है। तो ये पावर आपको कौन सा देता है, आर्टिकल 32। इस पॉइंट पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या दे विल आस्क की बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये थोड़ा सा इसमें इकोनॉमिक्स के आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। 2020 के बजट में सरकार ने एक टैक्स को हटा दिया, तो यहाँ पे उसी टैक्स के बारे में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यूनियन बजट 2020 में सरकार ने किस टैक्स को अबॉलिश कर दिया, दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे हो ना, दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट SSC के लेवल है, इवन कुछ क्वेश्चन की क्वालिटी SSC से भी बेटर है। SSC जो आप CGL देखते हो ना, करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, रैंडम कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में है ना पॉलिटी और हिस्ट्री के बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं,
तो यहाँ पे तुम्हें कम से कम इन कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब ये चार टैक्स हैं, इन चारों टैक्सों को हम समझते हैं। पहला टैक्स, ये चौथा टैक्स है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है सुनिएगा, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर पैसे कमा रहा हूँ तो मैं जिस टैक्स को पे करूँगा उसका नाम होता है इनकम टैक्स। लेकिन अगर हम सारे लोग मिलकर कंपनी स्टैब्लिश कर ले, उस कंपनी का नाम हो गया लेट्स से विकास लिमिटेड या एक्स वाई जेड लिमिटेड, उस कंपनी ने अगर पैसे कमाए तो कंपनी कौन सा टैक्स पे करती है? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन सा टैक्स पे कर रही है? कॉर्पोरेट टैक्स। तो एक व्यक्ति पे करता है इनकम टैक्स, एक कंपनी पे करती है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स किस आय पे लगेगा? कंपनियों की आय पे लगेगा। तीसरे नंबर का जो टैक्स है यह सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सुनिएगा यह क्या है, जब भी आप शेयर्स खरीदते हो, जब भी आपने शेयर्स खरीदे स्टॉक मार्केट में, मान लीजिए अभी आपने अकाउंट में 10,000 रुपये डाले और आपने एक कंपनी के 100 रुपये के हिसाब से 1,000 शेयर खरीद लिए, तो जब भी आप शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स खरीदने और बेचने पे एक छोटा सा अमाउंट डिडक्ट होता है, वो कौन सा टैक्स होता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो शेयर खरीदो या बेचो एक छोटा सा टैक्स कटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। क्लियर है तीसरा वाला, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कैपिटल गेन समझ लो, तुम्हारे पास कहीं से 2,00,000 रुपए आए और उस 2,00,000 को तुम इन्वेस्ट कर देते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, विदेशी करेंसी खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, एग्रीकल्चर लैंड बनाओ, इसके अलावा आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, डायमंड खरीदिए, गोल्ड खरीद लिया, आपने खरीदे वो 2,00,000 के थे, अब आप 10 साल के बाद बेच रहे हो, उनकी वैल्यू हो गई 20,00,000। तो जब आपने 20,00,000 के बेचे, आपके 20,00,000 खाते में आए, आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने खरीदा 2,00,000 का था लेकिन इनकी वैल्यू कितने से बढ़ गई? 18 से बढ़ गई। तो आपने जो पूंजी के ऊपर गेन अर्जित किया है 18,00,000 का, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन टैक्स। अब इसमें अलग अलग क्लॉज हैं। रियल इस्टेट में मानो 1 साल से कम में रहा तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होगा, 1 साल से ज़्यादा रहा तो लॉन्ग टर्म होगा, किसी में शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा है, किसी में लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा है। तो लंबी अवधि का मतलब है एक समय के बाद जो आपकी पूंजी बढ़ी उस पर जो टैक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, हाँ, एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं है, कुछ बहुत सारी एक्सेप्शन है। पहला है फिर आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप टैक्स को समझिए, आपके जो भी डाउट है ना थोड़ा 20 मिनट का गैप दे रख के रखें, देन यू कैन आस्क। ऑल्दो मैं पढ़ाता हूँ डाउट्स आते हैं बट फिर भी हैं तो ध्यान रखें। अब ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है इसको समझिए, एक कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस पर कौन सा टैक्स पे करती है? कॉर्पोरेट टैक्स हमने पढ़ा है। तो एक कंपनी को मान लीजिए प्रॉफिट आया 2,000 करोड़ का, अब वो उस 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में से बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, आगे के लिए लैंड खरीद सकती है, स्टॉक खरीद सकती है, फ्यूचर के लिए निवेश कर सकती है, बहुत सारे प्रोविजन है। लेकिन उसने डिसाइड किया कि इस 2,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में से मैं थोड़ा सा अमाउंट अपने शेयर होल्डर को दूंगी, तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और यहां पे डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कंपनी अपने प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दे रही है उस पे टैक्स जो लगता है उसे हम क्या बोलते थे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब इसमें सुनिएगा, इसमें दिक्कत क्या हुई, ये क्यों हटाया गया? ये इसलिए हटाया गया, यहां पे डबल टैक्सेशन हो रहा था सेम अमाउंट पे। एक कंपनी ने 200 करोड़ का डिविडेंड दिया, उस पे तुमने 10% टैक्स ले लिया। अब जिन व्यक्तियों को वो डिविडेंड मिला उनको भी क्या पे करना पड़ेगा? इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पे डबल टैक्सेशन हो गया, इसलिए सरकार ने 2020 के बजट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया। अब क्या, जिस व्यक्ति को डिविडेंड मिलता है उसको इनकम टैक्स पे करना होता है। तो आई गेस अब आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है उस पर टैक्स लगता है, यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स ऑन सिक्योरिटी है लेकिन ये कैपिटल गेन टैक्स ऑन गुड्स पे भी लगता है, कैपिटल गेन ऑन रियल एस्टेट पे भी लगता है, सब पे कैपिटल गेन लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और चौथा हो गया आपका कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगेन जिस तरीके से मौलिक अधिकार हैं, एक और नया कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। फंडामेंटल राइट के बाद इनका पार्ट आता है, तो आप देखोगे मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में। ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में। अब सबसे पहले समझिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत होते क्या है, इसको आप समझिए। जब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर संविधान बना रहे थे तो उस दौरान उनके सामने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जिनको वो लागू करना चाहते थे, वो लागू करना चाहते थे परंतु
दिक्कतें थी, सामाजिक दिक्कत थी, राजनीतिक दिक्कत थी, शायद समाज उन चीज़ों को एब्जॉर्व करने के लिए तैयार ना था, शायद हमारे देश की राजनीति उस टाइम पे सही नहीं थी, पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं थी, देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे, लाखों लोगों की जाने गई, या हमारे पास इकोनॉमिक हालत ऐसे नहीं थे। तो हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं वो अपने देश को कुछ अधिकार देना चाहते थे देश के लोगों को, लेकिन सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, आने वाली सरकारों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी कि भाई हम तो पूरा नहीं कर पाए लेकिन आने वाली सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सारे काम करने पड़ेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक आम बोलचाल की भाषा में सुनना है तो ये मानिए कि तुम्हारे दादाजी कुछ बनना चाहते थे, आईएएस अधिकारी या डॉक्टर बनना चाहते थे, वो खुद तो बन नहीं पाए लेकिन अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपनी एक विश छोड़ के गए हैं कि बेटा तुम्हें बनना है। इसी तरीके से हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं वो सरकार के लिए जो अपनी कुछ इच्छाएं छोड़ के गए उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आ गया क्या है, कहाँ पे मेंशन है, पार्ट फोर में मेंशन है। अब इसमें सुनिएगा, इसमें जिक्र हो रहा है, पहले मैं एक तुम्हें न्यूज वाली भी सुना दूं, एक डीपीएसपी बड़ा न्यूज में चल रही है, आर्टिकल 44 यूनिवर्सल सिविल कोड। ये क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड का मतलब है हमारे देश में आपके डाइवोर्स और मैरिज के जितने भी सिविल लॉज हैं वो एक जैसे होने चाहिए, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक जैसे होने चाहिए। अब हमारे संविधान निर्माता एक जैसे करने के बारे में बात कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में शादी विवाह के जो लॉज हैं हिंदू और मुसलमानों के एक जैसे नहीं, वो चाहते थे एक जैसे हों। ओके, 75 साल हो गए हैं अभी तक एक जैसे नहीं हुए हैं, अभी इस बार ये पॉलिटिकल डिबेट में है क्योंकि बीजेपी ने जब गुजरात में इलेक्शन लड़ा तो उनके गुजरात के मैनिफेस्टो में था अगर हम आएंगे तो डीपीएसपी को लेके, ये जो आर्टिकल 44 है यूनिवर्सल सिविल कोड, इसको लेके कुछ काम करेंगे। ओके, देश भर में भी डिबेट चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला था, तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझ में आया डीपीएसपी होते क्या है। इसी में से अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल को पहले समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह निर्देश है, निर्देश का मतलब वो डीपीएसपी है, कौन सा स्पेसिफिक के बारे में पूछा गया है, दैट द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ। नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 42 ये बोलता है कि सरकार को मैटरनिटी रिलीफ के बारे में कुछ करना है, लाइक यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सरकार को कोई स्कीम बनानी है, तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 42। क्या सरकार ने कुछ किया होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो किया होगा, लाइक देयर इज अ स्कीम, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, इसमें 5,000 का सरकार बेनिफिट देती है। ठीक है, समझ में आया। अब ये आर्टिकल 44 अभी न्यूज में चल रहा है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी क्या है, डीपीएसपी। यानी कि अब हमें एक चीज समझ में आई कि दिल्ली पुलिस के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होना चाहिए, कौन सा प्रोविजन किस आर्टिकल में लिखा है वो भी हमें थोड़ा सा रटना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। जैसे इस बार क्वेश्चन किस पे आ गया है, आर्टिकल 42 पे क्वेश्चन आ गया है, अनुच्छेद 42 पे। ऐसा हो सकता है इस बार न्यूज में और इस बार क्वेश्चन में क्या आ जाए, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 किस बारे में बात करता है, यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में बात करता है कि सिविल लॉज देश में कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक और जो एरिया है, आपको इंडिया का कम से कम मैप पता होना चाहिए, और आपको इंडिया का ही नहीं लगभग वर्ल्ड में भी आपको लगभग जो 40-50 देश हैं आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उनकी लोकेशन कहाँ है। और एक जो सीरियस बच्चा 2-4-6 महीने से तैयारी कर रहा है उसको ऑलमोस्ट पता भी चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, मतलब टच नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सारे कंफ्यूजिंग है, मेघालय, असम, झारखंड, सिक्किम। तो जब तक किसी भी बच्चे ने अच्छे से मैप थॉरली रिवाइज नहीं किया है फंस जाएगा, कम से कम यहाँ कोचिंग सेंटर के मॉक में तो ना भी फंसे लेकिन एग्जाम के प्रेशर में वहाँ पे 20 सेकंड के अंदर में वो पक्का फंस जाएगा, गलत करेगा। तो यहाँ पे देखिए, कम से कम थोड़ा मैंने 2-3 आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको हम तटीय राज्य बोलते हैं, मतलब ये राज्य क्या करते हैं, ये राज्य कोस्टल कोस्ट बनाते हैं, बीचेस बनाते हैं, तट बनाते हैं। तो आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये सारे तट बनाते हैं किधर, अरब सागर की तरफ, अरेबियन सी की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यानी कि हमारे देश के कम से कम 9 ऐसे राज्य हैं जो क्या बनाते हैं, कोस्ट लाइन बनाते हैं, तट बनाते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे राज्य हैं ना तो वो तट बनाते हैं ना किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे आप देखिए, राजस्थान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आपका पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं ना तो वो किसी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ना तट बनाते हैं, उन्हें लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं। तो हमारे देश में 5 लैंड लॉक स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना एंड हरियाणा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आई, आप इन सारे तट को हटा दें और इसको हटा दें, अब जितने भी राज्य बचेंगे वो किसी ना किसी देश के साथ क्या शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। या तो तट बना रहे हो या बॉर्डर शेयर कर रहे हो, इन दोनों में से कोई भी नहीं हो तो तुम क्या हो, लैंड लॉक हो, ठीक है। ओके, अच्छा यहां पे नॉर्थ ईस्ट का मैप दिखाना था। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्यों को हम नॉर्थ ईस्टर्न, देखो दिल्ली पुलिस में फिर ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में ही था। यहां पे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा है। सेम क्वेश्चन इन्होंने घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद उड़ीसा। तो उसमें पूछा है बंगाल के बारे में, इसमें किसके बारे में पूछ लिया, उड़ीसा के बारे में पूछ लिया। तो थोड़ा सा तुम्हें मैप पता होना चाहिए। तो यहां पे तुम देखोगे इन 7 राज्यों को हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं, जिसमें आपका आता है असम। अच्छा, असम को जब आप समझेंगे, अच्छा नॉर्मली है ना, जब मैं ज्योग्राफी की पहली क्लास कराता हूँ ना, ज्योग्राफी हम जब भी पढ़ेंगे तो एक घंटे की क्लास होती है। उस पहली एक घंटे की क्लास में हमें कम से कम भारत के मैप में तो दोबारा कोई दिक्कत नहीं आती है, सारा मैप क्या हो जाता है, अच्छे से हम समझ जाते हैं। अच्छा, हम स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं कि मेघालय के आसपास वाले 4 राज्य बताओ, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है उसकी मदद से कम तुम आंसर निकाल लेते हो, ठीक है, आंसर निकाल इजीली पाते हो। ओके, तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो असम है ना, ये प्लेन इलाका है। प्लेन इलाका आपको समझ में आता है, जैसे अभी जो उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, प्लेन राज्य है। आप देखिएगा तभी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी है, अर्बनाइजेशन अच्छा है, खेती अच्छी है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ों पे क्या होता है, कनेक्टिविटी अश्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तुम देखोगे कोई भी अगर पहाड़ी राज्य है उसके लिए आर्थिक अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आपको कोई भी ऐसा पहाड़ी राज्य नहीं मिलेगा जो बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा उद्योग हो, बहुत ज्यादा वहां के लोगों को जॉब्स हो। उनके पास 2-3 इकलौते या 2-3 सोर्सेज होते हैं कमाई के, टूरिज्म। आप देखिएगा कभी भी पहाड़ों पे जाओ, वहां के लोकल लोगों से बात करो। मैं भी कुछ दिन पहले ही गया था, शिमला गया था, तो मैंने वहां पे लोकल लोगों से बात करी। वो बोल रहे हैं कि सर हमारे जो लोकल बच्चे हैं ना उनको 10,000 रुपये तक की भी नौकरी लग के नहीं देती, ठीक है ना। तो रोजगार वहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिएगा प्लेन इलाके में उद्योग लगता है, एक इंडस्ट्री लगती है, वो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देती, लेकिन कोई भी पहाड़ पे 2,000 फीट ऊपर, 4,000 फीट ऊपर बहुत बड़ा उद्योग नहीं लगता है। प्लेन एरिया में डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। आप देखो ना यहाँ पे दिल्ली में देखो, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, 2011 का सेंसस भी ले गए तो 15-16 हज़ार है ऑफिशियली, अगर आप अनऑफिशियली देखो तो बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। एक स्क्वायर किलोमीटर, एक किलोमीटर ऐसे, एक किलोमीटर ऐसे, कितने होंगे यहाँ पे किसी सेक्टर में, कितने लोग होंगे, ज़्यादा होंगे 10-12 हज़ार लोग होंगे, ठीक है ना। एक सोसाइटीज में, एक सोसाइटी में उठाए के देख लो, एक स्क्वायर किलोमीटर में नहीं होगी, कितने ज़्यादा लोग होंगे। तो असम पूरा का पूरा एक तटीय है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी है ना त्रिपुरा के छोड़ के बाकी सारे हिली हैं। तो ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, इधर म्यांमार आ जाता है, इधर भूटान, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, मेघालय। इन 7 को मिला के हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। अब देखिएगा इसका आंसर इस मेघालय में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे बॉर्डर खत्म हो रहा है ना, ये बॉर्डर खत्म हो रहा है वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल तुम्हारा असम से तो बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन मेघालय से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, मेघालय होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आए, एक बार पहले आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज ज़िस्कार एज वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब सुनिएगा, इन्होंने बहुत सारी ये नदियां दे दी है और पूछा गया है कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा इंडस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम्हें इंडस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि भारत में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे इंडस रिवर के बारे में आता ही है, और ये हमारा स्ट्रेटेजिकली भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब सुनिएगा, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैप नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। इंडस रिवर तुम्हारी ओरिजिनेट होती है, इंडस रिवर तुम्हारी ओरिजिनेट होती है इस पार्ट से। अब तुम देख रहे हो दिस इज पार्ट ऑफ चाइना, और इसको हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये सच में चाइना का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ, एक्चुअली तिब्बत का ये पार्ट है,
लेकिन भारत एक बार ऑफिशियली बोल चुका है कि तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। तो अब हम एक बार ऑफिशियली बोल चुके हैं तो कुछ नहीं हो सकता क्या? हमको दोबारा ये बोलना चाहिए कि तिब्बत इज नॉट द पार्ट ऑफ चाइना? नहीं बोलेंगे। और चाइना बोल रहा है कि अक्साई चीन मेरा पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश मेरा पार्ट है, तो चुपचाप सुनते रहे या बोले? इंडिया ने डिप्लोमेटिकली कई बार ये बोला हुआ है, डेफिनेटली ऑफिशियल चैनल से नहीं बोला हुआ है, नॉन ऑफिशियल चैनल से बोला हुआ है। नॉन ऑफिशियल चैनल क्या होता है? हमारे कुछ लेट से थिंक टैंक है, तो दे विल से कि अगर भारत, अगर चाइना बार बार इंडिया को प्रवोक करता रहेगा तो इंडिया को अपनी वन चाइना पॉलिसी पे सोचना पड़ेगा दोबारा से। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। तो हमें तिब्बत क्वेश्चन को दोबारा से बोलना पड़ेगा, हम स्टैंड चेंज कर सकते हैं। इसलिए तुम देखिए, चाइना नॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर के डिस्प्यूट में साइलेंट रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है। अपने एक्साई चीन वाले पे तो बोलता है कि मेरा पार्ट है, लेकिन कश्मीर पीओके पे वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बोलता है आपस में सॉल्व कर, क्योंकि उसे पता है जिस दिन चाइना ने कश्मीर को लेकर कोई भी बात बोली कि कश्मीर इज द पार्ट ऑफ लेट्स से पाकिस्तान, अगले ही दिन हम क्या बोलने वाले हैं, तिब्बत इज अ इंडिपेंडेंट नेशन, तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है। और हमारे देश में तो चार पांच लोग तिब्बती लोग भी रहते हैं जो अपनी सरकार चला रहे हैं, जिनका ये मिशन है कि एक दिन हम वापस जाएंगे तिब्बत में और अपने देश को आजाद करेंगे। बट देखिए, भारत की यहाँ पे आप पॉलिसी देखिए, अगर भारत पाकिस्तान होता तो क्या करता? इन लोगों को लेता, टेररिस्ट बना देता, वेपन दे देता और तिब्बत में बॉम्ब फोड़वाता। लेकिन भारत ने इन लोगों के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। भारत ने इन लोगों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी एजुकेशन दी और ये लोग देखिए अच्छा खासा अपनी लाइफ इस देश में जी रहे। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे एक लेक है मानसरोवर लेक और यहाँ पे है कैलाश पर्वत। अब ये हिंदू लोगों के लिए बड़ा एक स्पिरिचुअल प्लेस है, सुना है ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा? तो यहाँ पे मानसरोवर तो लेक है और ये कैलाश पर्वत है, दोनों कहाँ पे आते हैं? तिब्बत में आते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो यहाँ से आपकी नदी इमर्ज होती है इंडस, उसके बाद ये लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से जाती है, आगे फिर ये आएगी, ये जो इलाका है ये पीओके का इलाका है, ये कश्मीर का वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने इल्लीगली अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हो देश में डिबेट चल रही है कि हम इसको वापस लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी हो, बट दिस इज द पार्ट ऑफ पीओके। इसके बाद इस इंडस की पांच सहायक नदियां भारत से ओरिजिनेट होती हैं और फाइनली यहां पे जाती हैं, पाकिस्तान में जाती है। इवन एक नदी तो भारत से ओरिजिनेट भी नहीं होती है, ये सतलुज, अगेन मानसरोवर लेक के साउथ से, चाइना से ओरिजिनेट हो रही है। तो इसकी पांचों सहायक नदियां तुम्हें पता होनी चाहिए, झेलम है, इसके बाद में चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है और फिर है आपकी सतलुज। तो इंडस और इसकी पांच ट्रिब्यूटरीज, इनको हम क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। और इसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, आपने सुना होगा इंडस। और यही कहीं ना कहीं जो आप आजकल डिबेट सुन रहे हो, इंडिया नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो ये हमारा अपना नाम नहीं था, ये वेस्ट के लोग थे, वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो उसके चक्कर में ये फिर एक नाम इवॉल्व हुआ आपका इंडिया। ओके, ये समझ में आ गया, इंडस और उसकी पांच सहायक नदियां। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग बात, इस पे हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, पाकिस्तान को पानी दिया हुआ है। अब आप देखिएगा कि भारत ने कितना लिबरली कि पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को दूर किया जाए, ले भी पानी चाहिए पानी ले ले, पर लड़ मत, पीसफुली ग्रो। भारत ने इन तीन नदियों का, इंडस, झेलम और चिनाब, इन पे लगभग पानी का राइट किसको दे रखा है? पाकिस्तान को, चाइना कहां से आ गया, पाकिस्तान को पानी का राइट दे रखा है, ठीक है। पाकिस्तान इनका पानी यूज कर सकता है, हमारे देश से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन अधिकार किसको दे दिया? पाकिस्तान को। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इससे कश्मीर को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुआ, कश्मीर को लोगों का घाटा हुआ, बट ठीक है। तो इस और बाकी की तीन नदियां, रावी, सतलुज और ब्यास, उसका पानी का राइट किसके पास है? हमारे पास है। तो ये आपका हुआ थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन की गई थी, और इस ट्रीटी का गारंटर कौन है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट इशू थे, तो ये एक थोड़ा सा एक संस्था है, क्रेडिबल संस्था है, जिम्मेदार संस्था है, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल ही दे रहा था, एक तरफ भारत ने अपने देश से निकलने वाली नदियों पे एक दूसरे देश को पानी लेने का अधिकार दे दिया, पानी का अधिकार दे दिया, दूसरी तरफ जो हमारी ब्रह्मपुत्रा चाइना से आती है, पानी के अधिकार की तो बात छोड़िए, यहां पे इन डैम्स में पानी कितना स्टोर कर रखा है चाइना 2016-17 तक ये भी नहीं बताता था। तो चाइना ने जो ब्रह्मपुत्रा चाइना में यहां पे तीन डैम बना रखे हैं, डैम में कभी भी पानी भर लेता है, कभी भी पानी छोड़ देता है, मानसून के दौरान एक्सेसिवली छोड़ता है,
इसलिए चाइना पे एलिगेशन लग रहे हैं। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि आसाम में जो फ्लड आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो फ्लड लाती है, इसमें मानसून का तो पानी आता है लेकिन चाइना डेलिब्रेटली डैम से अपने पानी को भी रिलीज करता है। तो यहाँ पे देखिए, पानी पे अधिकार की तो बात छोड़िए, डेटा भी बता के चाइना नहीं देता, और दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को नदियों पे ये अधिकार दे दिया। तो दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर, ज्योग्राफी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पे भी एक विवाद चल रहा है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट तो देखिएगा। इन इंडिया द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्रीज, भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन है? तो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा। तो देखिए, किसी भी देश में, भारत जब भी अपने देश के बाहर सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है, बेचता है, तो भारत ने जैसे ही अपने देश के बाहर सामान बेचा, एक्सपोर्ट किया, तो बदले में क्या मिलेगा? विदेशी करेंसी मिलेगी। जब भी कोई कंपनी हमारे देश में विदेशी निवेश लेके आती है तो पैसा किस में लेके आएगी? विदेशी करेंसी में। जैसे अभी किया मोटर आई है, पिछले 4-5 साल में ही आई है, तो ये 10,000 करोड़ रुपए लेके आई थी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। तो 10,000 करोड़ रुपए ये किस मुद्रा में लेके आएगी? विदेशी मुद्रा में लेके आई होगी। या जब हम लोन भी लेते हैं, वो भी किस मुद्रा में लेते हैं? विदेशी मुद्रा में लेते हैं। अब बहुत सारी विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है, डेफिनेटली बहुत सारी विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती भी है। इस बीच में अगर हमारे पास सरप्लस है तो हमारे पास उस विदेशी मुद्रा को हम इकट्ठा करके रखते हैं, और उसी विदेशी मुद्रा के भंडार को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा का भंडार है, क्योंकि 1991 में हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि $1 बिलियन भी नहीं था, $1 बिलियन भी विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, और ऑयल खरीदने के लिए हमें विदेशी मुद्रा में ही पैसे करने थे, पे करने थे, रुपी में लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तो सिर्फ 15 दिन का तेल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे थे। तो ये 1991 की हमारी सिचुएशन है। आज 30 साल के बाद हम किस लेवल पे पहुंचे हैं, आज अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार $550 बिलियन के आसपास है, और ये लगभग 600 तक चला गया था। तो आप मान के चलिए 550 से 600 के आसपास, $1 बिलियन के आसपास हमारे देश का विदेशी मुद्रा का भंडार है। $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ रुपए, जब विदेशी मुद्रा का जो रेट है वो 1:80 है, $1 में 80 रुपए मिलते हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार किसके पास है? चाइना के पास है, लगभग $3,000 बिलियन से ज़्यादा है। उसके बाद देखोगे जापान $1,300 बिलियन, स्विट्ज़रलैंड 1,000, रशिया 600, इंडिया उस टाइम पे 632 था, अब भी अगर आप देखोगे 550 के आसपास है। तो 550 के आसपास इतना है कि हम लगभग एक साल तक इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। 1991 में कितने दिन तक इंपोर्ट कर सकते थे? 15 दिन। आज वो सिचुएशन बढ़ के लगभग 400 दिन हो गई है, मतलब कल से नया एक भी फॉरेन करेंसी नहीं आए तो अब का ये जो रिजर्व है इससे कितने दिन का काम चला सकते हो? इजीली एक साल से ज़्यादा काम चला सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसको बोलते हैं, कौन इसको मेंटेन करता है? RBI मेंटेन करता है। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और एडवांस में पढ़ेंगे, तो एक और टॉपिक हमें अच्छे से और समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको, समझ में आ रहा है? आइए चलो देखते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बात सही है ना, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है। देखिए, हमारी अर्थ है और उसके अराउंड क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर वातावरण। अब इसमें क्या है, इसमें एक तो गैसेज हैं बहुत सारी, अभी भी तुम अगर इस एयर को इनहेल करोगे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेज हैं। और इसमें क्या है, मॉइस्चर है। क्या ये जो हमारी क्लासरूम के अंदर हवा है इसमें पानी है? है ना, तभी आप देखिए एक ठंडी बोतल रखी है उसके आसपास क्या जम जाएगा? एयर का पानी कंडेंस हो जाएगा। क्या इसमें धूल मिट्टी भी है? हाँ, धूल मिट्टी के भी कण है। अब होता क्या है, वैसे तो अर्थ की सरफेस से लेके 700-800 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर ही है,
लेकिन इसमें कुछ किलोमीटर के बाद ये अलग तरीके से बिहेव करता है। 10-15 किलोमीटर तक अलग है, उसके बाद जाते हो अलग है, तो ये अलग तरीके से जो बिहेव करता है उस बेसिस पे हमने इसको किस में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, पृथ्वी की सतह से जो पहली लेयर है लगभग 0 से लेके 12 13 10 से लेके 15 किलोमीटर तक ये होती है, कहीं पे 10 किलोमीटर हो सकती है, कहीं पे 15 हो सकती है, ये ज्योग्राफी का एडवांस कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। जो पहली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में क्या बोलते हैं, संताप मंडल, ठीक है। आप देखिए क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी फिनोमिना है, क्लाइमेट का मतलब धूल का आना, बारिश का आना, साइक्लोन का आना, तेज हवाओं का आना, वो सारा सिर्फ किस में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर कहीं भी आपको तूफान नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको बारिश नहीं मिलेगी। तो बारिश का पानी कई बार सोचते तो होंगे ना कितनी ऊंचाई से आ रहा है ना, तो ये ज़्यादा ऊंचाई से नहीं आ रहा है, 2-3-4 किलोमीटर इतनी ये ऊंचाई से आ रहा है, कहीं पे और भी नीचे से आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि आपका इस तरीके मौसम से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो किस में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। अब मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन ये था कि जितने भी आपके कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं ये किस लेयर में उड़ना पसंद करते हैं, दिल्ली टू मुंबई की अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हो वो किस लेयर में उड़ना पसंद करते हैं, तो ये ट्रोपोस्फेयर से जस्ट ऊपर होते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वहां पे जेट स्ट्रीम भी चलती है, इनको थोड़ा फायदा भी मिलता है, तो ये है। तो जितने भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है कहां पे उड़ते हैं, लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर। अब ट्रोपोस्फेयर से ऊपर दूसरी जो आपकी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं समताप मंडल, इसको बोलते हैं। इसके बारे में सुनिएगा यहां पे क्या होता है, इसके बारे में दो फीचर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो ये कि इसके लोअर पार्ट में कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, ठीक है, जो दिल्ली टू बॉम्बे, दिल्ली टू लंदन मान लो। दूसरा इसका फीचर यह है, इसमें जब आप 30-35 किलोमीटर की हाइट पे जाते हो तो एक ओजोन परत है, ओजोन गैस है और उसकी एक परत है। अब ये क्या करती है, जो भी सूर्य की हार्मफुल यूवी रेज आती हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर ये सारी ओजोन गैस खत्म हो जाए तो सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है सीधी आएंगी हमारी स्किन पे, अटैक करेंगे और कैंसर के केसेस बढ़ेंगे और भी बहुत सारा डैमेज होगा। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके हम ह्यूमंस ने कुछ केमिकल यूज करने स्टार्ट कर दिए। उन केमिकल के यूज से क्या हुआ, वो केमिकल जाते थे हवा में, उड़ते थे हवा में, वो ऊपर जाके ओजोन लेयर में जो ओजोन गैस है उससे इंटरेक्ट करते थे और ओजोन गैस को मार देते थे। तो यहाँ पे ओजोन लेयर में होल हो गया, और जब ओजोन लेयर में होल हुआ तो ये दुनिया के लिए चिंता की बात थी। इसके बाद में हमने एक प्रोटोकॉल साइन की, उसका नाम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक जगह है कहाँ पे, कनाडा में, वहाँ पे सारे देश इकट्ठा हुए, 1987 में एक एग्रीमेंट साइन किया और उन्होंने बोला कि हम इन केमिकल्स को बैन कर देंगे जो किसको डैमेज कर रहे हैं, ओजोन लेयर को, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। अब ये कौन सी गैसेस थी, ये गैसेस थी आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज होती थी, AC में यूज होती थी, फ्रिज में यूज होती थी, और जितना भी जो आप स्प्रे वाली कैन है उनमें यूज हुआ करती थी। आज की डेट में हम दूसरी गैस यूज कर रहे हैं, वो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो हम गैस यूज किया करते थे इन सारी चीजों में यूज हुआ करती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो किसको डैमेज करती थी, ओजोन को। अब एक बार आपके, अब आप क्वेश्चन देखिएगा, आंसर करो, देखो आंसर मैंने यहां पे डेलिब्रेटली किसी का नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ के खुद आंसर दे लिया तो क्लास का फायदा है, टिक मार्क करके कोई फायदा नहीं है, बताइएगा, सिंपल है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिप्लीटेड बाय द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो कौन सी है आपकी, ओजोन। अगर यहाँ पे ओजोन हटा के स्ट्रेटोस्फेयर डाल देते, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में ही क्या है, ओजोन है, तो वो भी सही होता। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो किस में उड़ना पसंद करते हैं, तो भी स्ट्रेटोस्फेयर में, और वातावरण से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड वो लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, अब ये एक मिशन है, गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, तो कई बार देखिएगा सरकार की जितनी भी स्कीम है, और सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम हम उनको बोलते हैं जिनको सरकार बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट कर रही है। आप हर जगह उनके प्रमोशंस देखोगे, सरकार के भाषणों में उनको सुनोगे, न्यूज़पेपर में सुनोगे, तो देयर इज़ अ स्कीम जल जीवन मिशन, और इसका आइडिया ये था, देखो ये बात सही है, हमारे देश में स्पेशली रूरल इलाके में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, आपको पानी नहीं मिलता है, पानी मिल भी रहा है तो कई जगह पानी पॉल्यूटेड है। अगर आप बिहार में देखें तो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है उसमें फ्लोराइड बहुत है,
तो उससे एक नई बीमारी हो रही है। कहीं पे आर्सेनिक बहुत है, उससे ब्लैक फूड डिजीज हो रहा है, आपकी जो खाल है वो ब्लैक पड़ जाती है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना सरकार की एक मेजर एम था। तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी जल जीवन मिशन, और इसमें यह था कि 2024 तक देश के हर रूरल इलाके के सभी विलेज में हम कैसा पानी पहुंचाएंगे, पाइप्ड वाटर पहुंचाएंगे। नॉर्मल वाटर नहीं, नल लगाने की बात नहीं थी, हम उनके घरों में पाइप्ड वाटर पहुंचाएंगे। अब देखिए बिजली ऑलमोस्ट हम पहुंचा चुके हैं, हर विलेज तक ऑलमोस्ट बिजली पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ऑलमोस्ट अभी भी, हालांकि कुछ विलेजेस बचे हुए हैं, पक्का रोड हम बनाने की बात कर रहे हैं। इंदिरा आवास योजना में हम लोगों को पक्का घर देने की बात कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हमने लोगों के घर में शौचालय बनाने की बात करी। अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन में हमने लोगों के घरों तक क्या पहुँचाई, शिक्षा पहुँचाने का हमारा एम है। और अब हम यहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं, पाइप्ड वाटर की बात लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने बोला इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें हर जगह लोगों को मिल गई होंगी, कहीं पे बहुत कमियाँ होंगी, कहीं पे ऐसा हो गया होगा कि ऑन पेपर तो उसके घर में बिजली पहुँच गई, वॉशरूम पहुँच गया ऑन पेपर, लेकिन फिजिकली नहीं पहुँच पाया। तो बहुत सारी इसमें एक्सेप्शन होंगे, कुछ घोटाले के केस भी होंगे, कुछ झूठ भी होगा, लेकिन सरकार का ये एम है, सरकार इस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये मिशन पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये कब लॉन्च किया गया। अब देखिएगा, आज आप पढ़ रहे हो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि उससे एक साल पहले ये स्कीम क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। तो इसका आंसर है 2019, जहाँ पे टारगेट ये था कि 2024 तक हम अपने सभी लोगों को क्या दें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ठीक है, यहाँ पे 2024 तक देना था पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड। ग्रामीण की बात हो रही है, शहरों की बात नहीं हो रही, ठीक है। आज भी आप देखिए कि यहाँ शहर में कुछ विलेज है, क्या पाइप्ड वाटर है शहर के विलेजों में? नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे टारगेट किसका हमने सेट किया, रूरल का हमने सेट किया। जो भी है 2024 तक का टारगेट है, अगर पूरा ना भी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पैसे की कमी है, काम करने के तरीके भी पुराने हैं, ब्यूरोक्रेसी में दिक्कतें हैं, तो ठीक है। अगेन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है, मालाबार रिबेलियन, बगावत थी, मालाबार एक जगह का भी नाम है, तो मालाबार रिबेलियन से रिलेटेड था ये, सीधा इसमें आए जाते हैं डायरेक्टली। अब देखिएगा, हमारे देश में जितने भी आज़ादी के समय भी ले ले, जितने भी किसानों ने विद्रोह किया, तो किसानों की सबकी एक कॉमन दो तीन चिंताएं होती थी। क्या चिंताएं होती थी? सरकार उनसे टैक्स ज़्यादा लेती थी, जमींदार उनसे टैक्स ज़्यादा ले रहा है, और दूसरी दिक्कत क्या है, मनी लेंडर, सूदखोर, ब्याजखोर उन्हें चक्रवर्ती ब्याज में फंसा रहा है, और क्या दिक्कत है। यही दो तीन मेनली दिक्कतें होती थी। तो यहाँ पे क्या था, ये केरला की जगह है मालाबार, तो केरला में यहाँ पे इन ये जो किसान थे, इनसे जो जमींदार थे वो इनसे ज़्यादा टैक्स लेते थे, ज़्यादा इनसे ब्याज पे पैसा लेते थे, ब्याज पे ब्याज चढ़ाते थे, इनसे बेगार कराते थे। तुमने टर्म सुना है बेगार? कल मैं एक बच्चे से डिस्कस ही कर रहा था, क्या तुमने लोकल गांव की लैंग्वेज में सुना है कोई बोल रहा है मैं तेरी बेगार नहीं कर रहा? कभी ये टर्म सुना है? मतलब पहली बार सुन रहे हो बेगार मेरे मुंह से? पक्का? तुम तीनों घर में भी किसी ने नहीं बोला? घर जाके बोलना, अभी एक बार घर पे जाके बोलना कि बेगार, मैं बेगार नहीं करूँगा, तो शायद घर वाले को जवाब दें। बेगार क्या हुआ करता था? बेगार एक टाइम की फ्री लेबर हुआ करता था, जो गरीब लोग किसको देते थे, जमींदार को देते थे। तो यहाँ पे गरीब लोगों के लिए मैं आपकी बेगार कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, फ्री मैं आपको लेबर दे रहा हूँ। तो जमींदार इनसे फ्री लेबर कराते थे। बंधुआ मजदूरी हमारे देश में अब तक चला है, आज़ादी के बाद भी चला है। आपने देखा होगा कलर्स पे एक वो आता था उड़ान, जिस पे वो जो जमींदार हैं, आप इमेजिन कीजिए वो जमींदार आपकी बॉडी पे एक परमानेंट स्टैम्प भी मार कर रहा है कि ये मेरा बंधुआ मजदूर है। सिर्फ ये छुपके काम नहीं हो रहा, इतना ओपन ये काम था, और मनी लेंडर के जाल में फंसा देते थे। अच्छा, एक बात और दूसरी भी, अगर आप एक फिलोसॉफिकल बात लेंगे, किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का शोषण तुम एक लिमिट तक कर सकते हो। एक लिमिट से अगर ज़्यादा शोषण करोगे तो फिर वो व्यक्ति बगावती बन जाता है। एक लिमिट से ज़्यादा किसी का तुम शोषण कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिमिट से सब ज़्यादा शोषण किया, वो सारे लोग खड़े हो गए, जमींदारों को मार दिया, जमीन को पूरा लाल कर दिया, खूनम खून कर दिया। तो ये था आपका मालाबार रिबेलियन। और ये मालाबार में आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, ये जो केरला का कोस्ट है, ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, मालाबार कोस्ट है। तो ये आपका मालाबार रिबेलियन है, 1921 में हुआ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, रटना पड़ेगा। और मालाबार एक एक्सरसाइज भी होती है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, नेवी की एक्सरसाइज है, चार देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, अमेरिका पहले से ही था, फिर हमने इसमें जापान को ऐड किया, और फिर ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया।
तुम विश्वास नहीं करोगे, चाइना हमें रिटेशन दिखाता था, चाइना बोलता था कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान को ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि ये चारों देश ऐसे हैं, इन चारों देशों की पॉलिसी में एनिमी इनका सेम ही है, इनके इंटरेस्ट एक साथ अलाइन हो रहे हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे ये चारों देश जब एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने का मतलब अपनी नेवी के प्लेटफॉर्म्स में एक साथ आपस में बात करते हैं, मिसाइल्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं। आप देखिएगा जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम इतने इंटीग्रेटेड है, बहुत ज़्यादा सिस्टम इंटीग्रेशन है, इतना सिस्टम इंटीग्रेशन है कि पैसिफिक ओशियन में एक टारगेट को अमेरिका की शिप टारगेट कर सकती है, और जबकि वो पकड़ा जापान की रडार ने, समझ में है, एक जापान की शिप है, उसने कोई टारगेट देखा और वो उसके सारे कोऑर्डिनेट्स को किसे ट्रांसफर कर देगी, अमेरिकन शिप को, और वो बहुत दूर से ही निशाना लगा देगी। इसको बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन। तो जब एक साथ ये तैयारी करते हैं तो उससे सिस्टम इंटीग्रेशन आगे बढ़ता है, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी पता चलती है। लेकिन हमारी अभी जो नेवी है पूरी तरीके से इनके साथ सिस्टम हमने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, हमारी जो नेवी वगैरह की जो शिप है, सबमरीन सब रशियन मेड है, और रशियन को हम इनके साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, होता भी नहीं है। इनकी सारी वेस्टर्न तो तुम कर सकते हो, मतलब आप देखो तुम फ्रांस से रफाल ले लो, उसको अमेरिका के किसी भी डिफेंस सिस्टम से अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हो, पर रशियन सिस्टम को इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल है। इसलिए कुछ लोग हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज ऐसे करते हैं, आधी चीजें हम इसराइल से ले रहे हैं, आधी रशिया से ले रहे हैं, आधी फ्रांस से, और जुगाड़ बना के एक साथ चला रहे हैं, क्या सिस्टम इंटीग्रेशन है? तुम्हें समझ में आएगा, देखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2019-20 की बात है, जब हमने बालाकोट किया, आपको याद है जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं वहां पे अटैक करके आते हैं, उसी दौरान हमारे एक सोल्जर से ही हमने ही अपने एक हेलीकॉप्टर को फायर कर दिया, उस दौरान ही एक इंसिडेंट हुआ था। अमेरिका में सिस्टम्स इतने अच्छे से इंटीग्रेटेड है, मान लीजिए अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो अगर अमेरिका के ही फाइटर एयरक्राफ्ट पे निशाना भी लगाना चाहे, मार्ग निशाना लगेगा ही नहीं, उसे पता है कि ये क्या है, ये मेरा सिस्टम है, समझ में आया ना। अमेरिका की मिसाइल को पता है कि एयरक्राफ्ट मेरा है, लेकिन यहां पे क्या है, 10 जगह से खरीद रहे हो, तो वो सिस्टम इंटीग्रेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पाता। ओके, तो ये मालाबार रिबेलियन समझा, उससे फिर हमने करंट अफेयर्स में चीजें भी कवर करी, मालाबार ज्योग्राफी का ही पार्ट कवर किया, और मालाबार जो एक्सरसाइज होती है। इसके साथ साथ आप याद रखिए, देयर इज अ ग्रुपिंग, चारों देशों की ग्रुपिंग है, उसको हम बोलते हैं क्वाड, ठीक है, और इन चारों देशों की ग्रुपिंग हो रही है। चाइना बोलता है दिस इज एंटी चाइना ग्रुप, ये सारे लोग एक साथ आ रहे हैं किसके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। ऑल्दो हमारी पॉलिसी ये नहीं है, हम बोलते हैं हमारे कुछ कॉमन कंसर्न है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। ओके, अगेन अपने आप में अगेन गेम चेंजिंग स्कीम। तुम में से आधे लोग हो मोदी सपोर्टर हो, अपोजर हो, कैसे बैठे हो, या पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सपोर्टर हो, अपोज करता है कोई, कट्टर विरोधी, इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लो वरना दिक्कत होगी, बताऊंगा कैसे, सुनिएगा। अच्छा, ये SSC CPO में आया है, CPO का एग्जाम आपको पता है, अब इसको सुनिएगा, एक चीज समझ में आ रही है कि सरकार की स्कीम्स पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें स्कीम्स को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे सुनिएगा, ये सच में प्रॉब्लम थी। और अच्छा, तुम्हें कई बार ऐसा लगता होगा सरकार कोई स्कीम बना लेती है, लोग पागल बना देते हैं सरकार का, सुनते होगे ना, स्कीम है तुम्हें लगता है, ऐसी बात नहीं है, सरकार को बारीकियों के बारे में पता नहीं है, सरकार को बहुत सारी बारीकियों के बारे में पता है। इवन जो लोग स्कीम बनाते हैं वो यही ग्राउंड पे काम करके जाते हैं, लेकिन देश इतना बड़ा है, सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है, इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं कि कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाती हैं, कहीं ना कहीं लूप होल रह जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, उसमें ही था अभी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट वुमेन्स को उसमें 5,000 रुपये मिलेंगे। अब प्रेग्नेंट वुमेन को तब मिलेंगे जब उसकी शादी हो जाए, है ना, शादी के सर्टिफिकेट के बाद मिलेंगे। अब मानो कि तुम्हारी 10 दिन में शादी हुई है और तभी डाइवोर्स हो जाए, तो क्या हो, अब शादी का सर्टिफिकेट के लिए तो अथॉरिटी में जाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। दिस वॉज द रियल सिचुएशन इन द गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट में थी, वहां पर डाइवोर्स का रेट बहुत हाई था, तो बहुत सारी महिलाएं शादीशुदा थी, डाइवोर्स की बात चल रही है, लेकिन उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना, तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिला। अब आप देखिए, जो ठीक ठाक फैमिली है उनमें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है, 2-3-4-5 हज़ार की नौकरी कर रहा है, पैसे ही नहीं है, तो उनके लिए 5,000 की सपोर्ट भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। एक UPSC टॉपर थे गौरव अग्रवाल, 2013 के टॉपर थे, मैं उनका ही तुम्हें बात बताना चाहूँगा। वो बंदा पहले वो था फाइनेंशियल एडवाइज़र था ये मानो, और वो हांगकांग में जॉब करता था, तो बोल रहा था कि यार आज मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, मेरे घर में AC नहीं है, कूलर है। मैं जिस शहर में हूँ वो राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में थे, कि मेरे पास
मैं जिस शहर में काम कर रहा हूँ शहर में 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है ना, कोई एक छोटा सा अच्छी जगह खाने के लिए भी नहीं है, एसी भी नहीं है मेरे पास, घर वर बिल्कुल बेसिक कंडीशन है। तो कभी कभी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं जब हांगकांग में अपनी जॉब कर रहा था तो कई बार पता चल रहा है कि मैं 40वें फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, विंडो में से देख रहा हूँ तो एक पूरा अर्बन शहर दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, और एकदम से मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे कूलर में बैठा हूँ, ऐसे भी नहीं, क्या वर्थ इट था ये मेरे लिए डिसीजन? तो बोल रहा है वर्थ इट था। कभी कभी यहाँ पे पता चलता है कि एक बुजुर्ग महिला अपनी 500 रुपये की पेंशन के लिए लड़ रही है, वो टाइम पे नहीं आ रहे, तो जब हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लगता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये की अपनी मंथली पेंशन का वेट करते हैं और उस हिसाब से अपने खर्चों को प्लान करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो 500, 1000, 2000 रुपए जब सरकार की तरफ से उनको महीने के लिए मिलते हैं तो उनके लिए वो मैटर करता है, ठीक है। तो 5000 तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे सुनिएगा, हमारे देश में ये भी एक चैलेंज था, ये अभी भी एक चैलेंज है। तुम नीचे किसी रिक्शे वाले से बात करो, तुम्हें ये कभी लगता होगा कि रिक्शे वाला, या कभी बात करो वो बताएगा कि रिक्शा मैंने रेंट पे ले रखा है, है ना, रेंट पे लेते हैं। अब आप देखिए 25-30 हज़ार का रिक्शा, वो व्यक्ति उसका 100 रुपये भी अगर रेंट पे कर रहा है वो पूरे साल भर में उसका 35-36 हज़ार रेंट पे कर देता है, और वो 25-30 हज़ार का रिक्शा। अगर कोई उस व्यक्ति को 25-30 हज़ार का लोन दे दे और 2-2.5 हज़ार की किस्तें बांध दे तो साल भर के बाद वो सारा लोन पटा देगा जो वो रेंट में दे रहा था, अगले साल से वो 100 रुपये डेली के उसको बचेंगे, प्लस उसके पास उस रिक्शे की 20-25 हज़ार रुपये की एक एसेट जनरेट हो जाएगी। बट उसको लोन पे पैसा देगा कौन? बैंकिंग सिस्टम तो उस पर लोन पे पैसा दे ही नहीं रहा था। किस बैंक के पास है? SBI क्या देगा? नहीं देगा। अगर किसी के पास कॉलेट्रल है, संपत्ति है, तो देने के लिए हजारों बैंक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कॉलेट्रल नहीं है तो उसको बैंक ब्याज पे पैसा नहीं देता। अगर वो बाहर मनी लेंडर से लेगा तो वो ब्याज का रेट इतना हाई रहेगा कि वो वैसे ही चुका नहीं पाएगा। तो क्या ऐसे लोगों को लोन पे पैसा देने के लिए सरकार को कोई स्कीम लानी चाहिए थी? यस। तो सरकार यहाँ पे देखिए, ये बात आपको माननी होगी कि बहुत सारे लोग, मैं मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं 80% मोदी हेटर हैं, तो अब मैं बहुत ज़्यादा मोदी सपोर्टर भी नहीं हूँ, लेकिन इनकी जो कुछ पॉलिसीज़ है ना वो इन्होंने अच्छे में काम किया हुआ है। ये जो बार बार पावर में आ रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि सिर्फ ये धर्म के बेसिस पे पावर में आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी। धर्म इनका एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन उसके तुम बैकग्राउंड में देखोगे ये पिछली सरकारों से बहुत ज्यादा फास्ट लेवल पे काम भी कर रहे हैं। उसी का ये सर, अब देखिए ये एक स्कीम लेके आए, इस स्कीम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको लोन मिलेगा। 3 कैटेगरी के लोन थे, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो स्कीम का नाम क्या था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और इसमें आपको 3 कैटेगरी के लोन मिलेंगे। पहला जो शिशु लोन है, up to 50,000, बताइए up to 50,000, किसी को 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, और ये सारे कॉलेट्रल फ्री लोन है, आपको कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको लोन देगी। उसके बाद में फिर आपका किशोर है 50,000 से 5 लाख तक का, और फिर आपका तरुण है 5 लाख से 10 लाख तक का। ये उन लोगों के लिए था जो बहुत छोटे से व्यापारी, अब एक ठेली वाला देखो, क्या इन लोगों को जरूरत पड़ती होगी? नहीं पड़ती होगी। 50,000 लाख रुपए ब्याज पे लेने की पड़ती होगी, इनफॉर्मल से लेते हैं तो ये ब्याज में मर जाते हैं। सरकार की एक स्कीम है, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये स्कीम आ गई अब तो फ्री में पैसे बट रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे शायद करप्शन हो रहे होंगे, बहुत सारे अधिकारी इसमें भी काम करके नहीं दे रहे होंगे, लेकिन कम से कम हम एक स्कीम लेके तो आए। अब धीरे धीरे करके सिस्टम रिफॉर्म होगा, तो समझ में आया? स्कीम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्कीम के एक प्रोविजन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तुम्हारा CPO का था। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही है, स्कीम्स कितनी जरूरी है। तो लगभग तो मान के चलिए गवर्नमेंट की फ्लैगशिप 50-60 स्कीम है, और अगर कोई भी बच्चा उन 50-60 गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ लेता है तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1-2 क्वेश्चन ईजिली वो कर सकता है। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे इलाकों को टारगेट करना पड़ेगा। ओके, अगेन 13वां क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन दी SCO? SCO ये ग्रुपिंग है, पहले इसको समझते हैं, SCO है क्या? SCO ग्रुपिंग के बारे में बता रहा हूं, दिख पा रहे हो इसमें? SCO इसका मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुपिंग किस लिए बनी, इसका एम क्या है, आइडिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर आप इस पूरे इलाके को देखते हो, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री, दुनिया में पाकिस्तान को नाम से जाना जाता है, एक ही चीज़ का एक्सपोर्ट करता है, वो है वेपन और आतंकवाद। देयर इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री, उसमें बोला गया था कि पाकिस्तान में भले ही आपको 6,000 रुपये में एक स्मार्टफोन मिले ना मिले,
लेकिन वहां पे 6 से 8 हजार रुपए में तुमको AK-47 की रिप्लिका मिल जाएगी, AK-47 की कॉपी मिल जाएगी आपको पाकिस्तान में। इसलिए देखते हो ना पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट फायरिंग बहुत इजीली हो जाती है, इतनी इजीली वहां पे वेपन मिलते हैं। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान, उसके बाद दूसरा अफगानिस्तान, ये भी सिविल वॉर हो रही है। आगे अगर थोड़ा सा जाएंगे यहाँ पे पड़ेगा सीरिया, सीरिया याद है आईसिस वाला, ISIS आपने सुना होगा। इसके बाद में इराक, वहां पे भी आतंकवाद है। ईरान अगर आप देखोगे आतंकवाद नहीं है लेकिन ऑन दी वर्ज ऑफ सिविल वॉर है। ये सारा का सारा इलाका है, ये सारा का सारा इलाका काइंड ऑफ एक वॉलेटाइल इलाका है। और पहले देखोगे ना, पहले सीरिया में कुछ भी नहीं था, सीरिया बिल्कुल शांत था, सीरिया में सिविल वॉर हो गई। तो ये थोड़ा थोड़ा सिविल वॉर बढ़ भी रही है। और इन सारे देशों में दो तीन चीजें कॉमन है, एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, इस्लाम है। चाइना इसी बात से डरा हुआ था कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहां पे ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना आ जाए। अगर यहां का मुसलमान ने सिविल वॉर कर दिया या कोई भी दिक्कत हो गई तो अगला नेक्स्ट टारगेट किस पे आएगा, चाइना पे आएगा, क्योंकि चाइना के इस साइड में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है। तो चाइना ने क्या काम करा, चाइना ने चाहता है कि यहां पे किसी भी इलाके में टेररिज्म ना पनपे। अब देखिए, जब पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है तो चाइना एक शब्द नहीं बोल के देता, लेकिन जब अपने पड़ोस में आतंकवाद की बात आती है तो चाइना कितना सिक्योर है, पहले सावधानी लेके चल रहा है कि मेरे पड़ोस में आतंकवाद डेवलप ना हो जाए। और हमारे पड़ोस में तो आतंकवाद डेवलप कराने के को लेके चाइना का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो इसने क्या काम किया, ग्रुपिंग बनाई, खुद आया, चाइना को लिया, रशिया को लिया, दो तीन और देशों को लिया। शुरू में तो सबने ज्वाइन नहीं किया, और इनका SCO का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, एंटी टेरर, टेररिज्म नहीं पनपेगा और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, आपस में व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे और आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। ओके, अब धीरे धीरे करके इंडिया को लगा कि अगर सेंट्रल एशिया से मुझे अपने रिलेशन स्ट्रांग करने हैं तो इस ग्रुपिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। और 2017 में इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने भी फिर हमारे बाद रिक्वेस्ट भेज दी कि मुझे भी ज्वाइन कराओ। अब क्योंकि पाकिस्तान वॉज दी फ्रेंड ऑफ चाइना तो पाकिस्तान ने भी हमारे साथ ही ज्वाइन किया। अभी समझ में आया SCO? ओके, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कब इंडिया ने ज्वाइन किया, 2017 में, ठीक है, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें अभी करंट अफेयर्स में न्यूज ये है, इसी साल ईरान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। तो नाउ ईरान इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। डन, ठीक है। नेक्स्ट अगेन SSCCPO। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब आप देखिएगा सेम। हमने मंगलयान 2013 में लॉन्च किया था, एक साल उसको पहुंचने में लगे, यहां से एक साल के बाद पहुंचा था मंगल पे हमारा मिशन। तो जब मार्स पे मिशन पहुंचा उस दौरान वेस्टर्न मीडिया ने बहुत हमारे कार्टून बनाए, कभी जाके देखना, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया एक किसान जो बुग्गी लेके चल रहा है, पैरों में चप्पल पहन के चल रहा है, बुग्गी पे उसने अपना मंगलयान रखा हुआ है, और वो किस में आने की कोशिश कर रहा है। एक फिर उन्होंने अच्छा सा ऑफिस बनाया, उसमें यूरोप को बैठाया, अमेरिका को बैठाया, उसने बोला ये इलीट क्लब है, लोग कोट बैंड पहने हुए हैं, कॉफी पी रहे हैं, यहाँ पे ये दो, ये किसान आने की कोशिश कर रहा है, और बोल रहा है कि तुम गरीब लोग यहाँ पे आओगे, टॉन्ट मारा था। अगले साल हमने सक्सेसफुल पहुँचा दिया। अब ये क्वेश्चन आया था बाद में 2018-20 में क्वेश्चन आया, किस पे आया है, 2013-14 के मिशन पे, कि मंगलयान मिशन लॉन्च किस रॉकेट ने किया था, उस रॉकेट का नाम क्या है। अब आप देखिए, उस रॉकेट का नाम PSLV या GSLV रॉकेट की कैटेगरी है, और ये जो है ना C-25, C-35 ये उनकी फ्लाइट का नंबर है। जैसे PSLV C-35, अगली वाली होगी PSLV C-36, 37 ऐसे ही चलेगा। तो ये वो पर्टिकुलर रॉकेट है जिससे हमने मंगलयान लॉन्च किया गया था। तो ये रॉकेट की सारी स्टेजेस होती हैं और सैटेलाइट यहाँ पे होती होगा। तो आप इसका नाम पढ़ रहे होगे, दिख रहा है C-35, C-35। तो ये जो हमारा मंगलयान लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया गया था, PSLV C-35, इतना आपको पता होना चाहिए। अब सेम क्या इस तरीके का क्वेश्चन चंद्रयान को लेके आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा चंद्रयान लॉन्च किया गया था, ये हिंदी में ही है, चंद्रयान इस पर्टिकुलर रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, ये आपका है GSLV, वो PSLV है, ये GSLV है। दोनों रॉकेट्स में डिफरेंस है, कभी आने वाली क्लासेस में बताऊंगा जब रॉकेट का कॉन्सेप्ट आएगा। GSLV में क्रायोजेनिक इंजन होता है और ये ज़्यादा वेट लेके जा सकता है, ज्यादा हाइट तक जा सकता है, ये कम वेट लेके जा सकता है, तो ये और थोड़ा एडवांस व्हीकल है। एक और भी बात है, 2000 रुपए का नोट क्योंकि बंद हो रहा है इसी महीने, तो 2000 रुपए के नोट पे आप देखोगे यहां पे आपको मंगलयान दिखेगा। अच्छा, टेल मी वन थिंग, 2000 रुपए के नोट पे, हमारे नोट पे जहां पे गांधी जी आते थे, है ना, दोनों साइड, सरकार ने इस नोट पे गांधी जी नहीं है, क्या है,
चंद्रयान है, दूसरी साइड चाहे गांधी जी, या आप मान के चलिए कि 2000 रुपए के नोट पे सरकार चंद्रयान बना रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है? कोई छोटी सी बात होगी या कोई बड़ी बात होगी? कोई इसमें बड़ा ही मैसेज होगा ना। दुनिया का आप मान के चलिए एक गरीब देश, वो कारनामा कर सकता है जो अमीर देश नहीं करता है। मंगलयान भारत पहला ऐसा देश बना जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में सक्सेसफुली अपना मिशन मंगल पे पहुंचाया। अमेरिका पहली बार में नहीं कर पाया, रशिया पहली बार में नहीं कर पाया, इंडिया पहली बार में कर पाया। तो इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने सक्सेसफुली पहली बार में अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। तो ये लोगों को बताने के लिए था कि भाई बच्चे हो, पैसे वैसे कम है, टेंशन मत लो, गरीबी में भी तुम कुछ अचीव कर सकते हो, डरने की बात नहीं है। ठीक है, ये 2000 के नोट पे याद रखना। बाकी सभी नोट पे क्या क्या बना हुआ होता है याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर एक पे कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है, ये वाली बुक मेरे पास है, ये मैंने पढ़ी हुई है, मैं लेके आने वाला था कि मैंने इसकी एक तुम्हें स्टोरी सुना था बट मैं भूल गया। B.R. अम्बेडकर ने किताब लिखी और वो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पर्टिकुलर वो किताब है। अब सुनिएगा इसके बारे में इंटरेस्टिंग थिंग जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। पहली बात, ये B.R. अम्बेडकर ने किताब नहीं लिखी थी, ये उनका एक अनडिलीवर्ड लेक्चर था। उन्हें एक संस्था ने बुलाया कि आप आइए बात कीजिए कास्ट सिस्टम के बारे में। B.R. अम्बेडकर ने बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो B.R. अम्बेडकर ने उस स्पीच को डिलीवर करने से पहले अपनी स्पीच को लिखा और उसकी किताबें छपा ली, सो दैट स्पीच के बाद जो वहाँ पे लोग होंगे मैं उनको अपना स्पीच रिटन में भी डिलीवर कर सकता हूँ। एक बार में समझ में ना आए, मेरी डिटेल समझ में ना आए, बात सही है, B.R. अम्बेडकर जिस तरीके से बोलते थे ना, तो शायद एक बहुत क्वालिफाइड बंदे को भी एक बार में वो बात समझ में ना आए। इसमें एक जिक्र था, और इसमें एक जिक्र था न्यूज़ की कटिंग थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अपर कास्ट लोअर कास्ट को जाके पीटती है, उनके अगेंस्ट वायलेंस करती है। किस बात पे वायलेंस करती है, यू विल बी सरप्राइज। लोअर कास्ट ने अपने गेस्ट को घी सर्व किया था और मेटल के बर्तनों में सर्व किया था। ये बात अपर कास्ट से डाइजेस्ट नहीं हुई, समझ में आ रहा है कि तुम हमारी बराबरी करोगे अब। और ऐसा नहीं था कि अपर कास्ट ने कुछ पैसे दिए थे उनको और उससे वो खर्च कर रहे, नहीं, उन लोगों ने खुद पैसे कमाए, लेकिन वो लोग भी अपने गेस्ट को अच्छा खाना सर्व करना चाहते थे, अच्छे बर्तनों में सर्व करना चाहते थे। तो ये बात अपर कास्ट को बर्दाश्त नहीं हुई और उनके अगेंस्ट वायलेंस किया। इवन बहुत सारे इलाकों में अपर कास्ट ये नोटिस लगा के रखती थी कि अगर लोअर कास्ट को हमारे इलाके में रहना है ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन सुन के तुम डर जाओगे, तुम कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हें अपर कास्ट के यहाँ पे अगर कल को कुछ भी होता है, कोई दुख होता है, कोई खुशी होती है, तुम्हें सारे जाके न्योते लगा के आने पड़ेंगे। ये परंपरा आज तक भी चलती है, पता है गांव देहात में पता चल रहा है, अदरवाइज तुम रह ही नहीं सकते ये तुम। और सुनिए, इसके लिए तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मांगने का भी तुम्हारा कोई राइट नहीं, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन था। और भी तुम उसकी 10 कंडीशन को जाके सुनोगे तो तुम सरप्राइज हो जाओगे, मतलब तुम अपनी जगह पे एक बार उसको रख के देखो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम देसी घी से खाना खिला रहे हो, गेस्ट को अपर कास्ट आके चार चाटे मारता है। और आज भी ये मीडिया में तुम न्यूज़ सुन लेते हो कि लोअर कास्ट वाले बोल रहे हैं भाई हम तो शादी में डीजे लेके जाएंगे, अपर कास्ट के मोहल्ले से चले उन्होंने बजा दिया, तो लोअर कास्ट वाले वो पुलिस के पास गए, पुलिस प्रोटेक्शन देती है कि हाँ देयर इज़ अ वीडियो, SSP बोल रहा है बेटा तुझे जहाँ से बारात लेके जाना है, जैसे नाचता हुआ जाना है, जाए, तेरा अधिकार है, तुझको कोई नहीं रोकेगा। तो ये अभी भी ऐसा होता है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट याद रखिएगा। 15वां, 16वां, मैं भी थक गया, आवाज इतनी देर निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज क्लोजेस्ट टू द पल्क स्ट्रेट, तो ये वाटर बॉडीज है। अच्छा, श्रीलंका और इंडिया को ये जो कनेक्ट करता है ना, इसको पल्क स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट ज्योग्राफी में एक फिनोमिना है, ऐसा भूखंड जहां पे लैंड है, फिर थोड़ा पानी आ जाता है, फिर लैंड है, फिर पानी आ जाता है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो कौन कनेक्ट करती है, पल्क स्ट्रेट। उसके पास में वाटर बॉडी कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो अभी हमने किसके बारे में बात की थी, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैप बेस्ड है। अगला है, द वेटलैंड ऑफ अस्तमुदी इज लोकेटेड इन, एक वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब पानी की आप जगह मान लीजिए, कहां पे लोकेटेड है, तो ये अस्तमुदी वेटलैंड है, कहां पे है, केरला में है, बहुत फेमस है। ठीक है, इसके बाद है, यहां पे पूछा गया है कि कृष्णा रिवर पे इनमें से कौन सा डैम है। ये चारों ही डैम बहुत पॉपुलर है और देश की बहुत फेमस रिवर पे है। तो कृष्णा रिवर पे जो डैम है वो है नागार्जुन सागर डैम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कृष्णा रिवर और ये नागार्जुन सागर डैम एग्जैक्टली किस स्टेट में पड़ता है,
तेलंगाना में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी का भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री कब से इंडिया के प्रधानमंत्री थे बताइए। अरे सिंपल है, ऑप्शन वन 64 से 66 तक। लास्ट इन्होंने पूछा है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया, सिंपल सा है फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की ये वाला पहला लेक्चर यहाँ पे ही खत्म, 20 क्वेश्चन इनमें डिस्कस किए थे, कितने कौन से पढ़े होंगे, क्या लग रहा है कौन से पढ़े हैं ना अच्छे खासे। ये 20 नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि लगभग अगर तुमने ऐसे 1000 MCQ कर लिए तो बहुत तो नहीं, लेकिन तुम्हारा सारे तो नहीं, सारे तो गारंटी कोई ले नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।